करण जौहर और प्रियंका चोपड़ा बिछड़े हुए दोस्तों की तरह मिल रहे हैं। रेखा जी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ घूम रही हैं। वरुण धवन जीजी हडीड को पप्पी दे रहा है और पेपराजी हॉलीवुड सुपरस्टार्स की हिंदी और मराठी में उतार रहे हैं। और वहाँ पैप्स ने जो किया सो किया, उसके बाद लोगों ने एडिट्स बना के और मजे लिए। और झांडिया के साथ साथ उसके डिजाइनर लॉ रोज का भी कॉकरोच बना डाला इन लोगों ने। मैम आंटी जी साइड हो जाओ ना। आंटी हो गया। पाप लगेगा सालो, पाप। खैर चलो एक बार को मान सकते हैं कि जेंडेया तो फिर भी एक मुश्किल नाम है, लेकिन टॉम को तो टॉकिंग टॉम बना डाला भाई इन लोगों ने, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें बोली हैं जो मतलब उसने क्या किसी ने नहीं सोची थी। ए टॉम पोलैंड, बेचारे टॉमी और झांडिया को तो चैन से इन्होंने होटल भी वापस नहीं जाने दिया। झांडिया हाय गाइस, वी आर जस्ट अबाउट टू लीव, सो या बाय बाय। टॉम या चीयर्स मेट, बाय बाय। Yeah, you can go. Why are they not leaving? I have no idea. Jendia. Namaste, guys. Hey, Tommy. They're a bit of a follower, aren't they? अब देखो ये चीज़ हमारे लिए तो normal है, लेकिन मेरे को Twitter पे एक thread मिला foreigners का इस clip पे react करते हुए, और सच बता रहा हूँ उसको पढ़ के ना second hand embarrassment हो गई मेरे को। They would just not stop following them. They waved until they couldn't. The way it looks like they're being held hostage, I'm crying. No, cause why aren't the windows tinted? Zendaya's face going from a genuine smile to the awkward okay. This is getting weird smile is what's getting me. I see they felt awkward. My face would have reverted back to resting bitch face after the first three waves. My reaction devolved like, oh, they're cute. Okay, haha, now back off. Seriously, back off. Bro, WTF, chill. Oh, y'all clearly don't know the Indian Paps Lamau. Yeah, lekin sadly, is event ke baad, I'm pretty sure sabko achhe se pata chali gaya hoga. Khair, toh jin logo nahi pata ki ye sab chal kya raha hai, unko main bata doon ki ye hai NMACC ka event, jiski full form mujhe, maine yaad ki thi, but main bhool gaya. Toh basically, tha toh inauguration event, lekin ये हमारा अपना इंडियन मेट गाला बन के रह गया। एंड द आयरनी इज कि आज से एक्चुअल में 3 हफ्ते बाद मेट गाला है, लेकिन हम लोगों को उसका वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज ऑफ पीपल लाइक कृति सैनन, जो एकदम क्राइम मास्टर गोगो लग रही थी, मोनी रॉय जो मकड़ी का जाल लग रही थी, एंड हम सबकी फेवरेट मलाइका अरोड़ा जी जो पहली कक्षा के किसी बच्चे का आर्ट का प्रोजेक्ट लग रही थी। वो होता था ना जिसमें बच्चे सी शेल्स, मैकरोनी के पीसेस, आइसक्रीम की स्टिक्स, स्पार्कल सब चिपका देते थे। मलाइका वाज लिटरली लुकिंग लाइक दैट। बट यू नो व्हाट, इस इवेंट में सिलेब्स के लुक्स मैटर ही नहीं करते, क्योंकि सारी अटेंशन तो हमारे पैप्स ले गए। लाइक आई वंडर कि अगर कान्ये वेस्ट या सैम स्मिथ जैसा कोई आता तो ये तो खैनी 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 और शेम 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 करके उनकी वाटी लगा देते। ऑल्दो वो बात अलग है कि अपने आउटफिट्स के शोर के चक्कर में उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। शेम शेम शेम, सेम सेम इधर, सेम इकड़े, शेम शेम, ये खैनी खैनी खैनी, कनी कनी इधर, कानी इकड़े इकड़े, उजड़े। Honestly, इसी वजह से आई एम वेरी हैप्पी कि Penelope Cruz बोलने की तो इन पैप्स ने कोशिश ही नहीं की। ए मैडम, एक्सक्यूज मी, लुक हियर, लिसन, दिस साइड। या टॉमी, झांडिया, निकवा, उस सबसे तो बेटर यही है। मैडम दिस साइड, अब मेरी तरह अगर आप भी यही सोच रहे हो कि काश इतने ही अच्छे से बाकी लोगों से भी बात कर लेते तो कितना अच्छा होता, तो लेट मी टेल यू कि ये ऐसा बिहेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये Penelope को जानते ही नहीं है और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी फोटोज खींचने में। A few minutes later. Thank you. लेकिन कुछ भी कहो, ये पैप्स की बकवासें सुनने में मजा बड़ा है, और ऐसा सिर्फ मैं नहीं पूरा इंटरनेट कह रहा है। Bro, when Britishers and Western people can butcher Indian names because of their accents, then this can go both ways, lol. Hey, Tame. सही तो बोला। जिंदगी झांडिया फिर भी कमांडिया। If you've lived abroad, you will know that they never get our names right too. So it's okay to call them what sounds right. I am telling you all, ये सब planned है। RRR को जो mispronounce किया था, उसका बदला है ये। Hey, Tommy has a different fan base. It's like Starbucks with our names, but better. It's इकड़े इकड़े उजवी कड़े for me. And for me, it's the fact कि ये किसी को नहीं बख्शते। मतलब वो आराध्या बच्चन हो या फिर मुकेश अंबानी जी, ये सबसे बदतमीजी करते हैं। If the media was honest at Bollywood events. और वरुण सर कैसे, एक मिनट, ये क्या पहना है कृति?
ऐश्वर्या जी आप तो as usual बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन बेटा आप अगर अगली बार हेयर स्टाइल चेंज करा के नहीं आए ना तो मत आना। अरे क्या आमिर सर, आप तो ऐसे आ गए हो जैसे जुहू पे नाइट वॉक करने निकले हो, आपसे अच्छे तो हम लोग लग रहे हैं। अरे वाह रणवीर सर, आज तो नॉर्मल। यार और सिड मैं सही बता रहा हूँ, अपने रिसेप्शन से ज्यादा बढ़िया ना आप दोनों आज लग रहे हो। ये कौन है? जीजी हडीद। जीजी जी इधर देखिए। भगाओ इसको। प्रियंका। सच्ची बताना निक जीजू, आप परिणीति जी की शादी के लिए आए हो ना? अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बुरा मान गया क्या भैया, हमारे में चलता है ऐसा, हम बोल देते हैं सब। नहीं नहीं सर, आपकी फोटो नहीं खींचेंगे, आपके फोटो के चार्जेस लगेंगे। अरे चलो थोड़ा ऑफेंड होके हमारे मुंह पे एक नोटों की गड्डी फेंक के मार दो। नहीं हाँ जाओ चलो फिर निकलो। तो क्या वो आपका इवेंट है तो हमारी भी कोई इज्जत है? पता है इन लोगों की ऐसी हरकतें देख के ना मुझे फाइनली समझ आ रहा है कि जया बच्चन जी ऐसा बिहेव क्यों करती हैं। आई मीन चलो मैंने तो ऐसे ही मजे में बोल दी जो चीजें बोली, लेकिन ये पैप्स तो एक्चुअल में वहां खड़े होके उन लोगों को और एक दूसरे को रोस्ट कर रहे थे। तमन्ना सिर्फ मुझे देखना है यहाँ पे। हम क्या क्या घर पे शर्मा गए जीजा जी शर्मा गए। अरे उसका पगार बहुत है भाई, साड़ी डालना कपड़े वाले में बोरी वाली ये चाहिए। आर्टिस्ट सेंटर क्या बोल रहा आंटी? आर्टिस्ट तुम्हारा बुढ़ापे में काम किया भाई, भेड़िया। And this is exactly why इस टॉपिक पे इतने सारे मीम्स बने हैं, बहुत टाइम बाद एक्चुअली बहुत अच्छे मीम्स बने हैं, जिन पे रिएक्ट करना will be a missed opportunity. So let's go. Mildly disappointed that Ambani's won't be awkwardly performing to जिसका है उसका वापस कर देना जी। एंड एक्चुअली इट डज लुक लाइक दैट। जीजी हडीड वाचिंग ज़ैन मलिक्स पिक्चर आउटसाइड एवरी बारबर शॉप इन इंडिया। लेकिन यार कितनी गलत बात है ना कि ये लोग सच में अपने एक्सेस को भूलने नहीं देते इन लोगों को। सेलिना गोमेज, जस्टिन बीवर, मतलब लुक एट दिस, इस बंदे ने तो ज़ैन मलिक को डीएम ही कर दिया, भाई तूने देखा वरुण ने क्या करा, मैं तो ना सहता। अनसीन फोटो फ्रॉम बदतमीज दिल म्यूजिक वीडियो। भाई मैं तो कह रहा शुक्र है ये टॉम को इन लोगों ने वेटर नहीं समझा। तू झांडिया मैं मकड़ा कुछ भी। 5th August देश रंगीला एंड 12th class फेवल। वैसे ये मानना पड़ेगा कि जेंडिया वाज लुकिंग अमेजिंग, एंड आई एम आल्सो ग्लैड कि सिर्फ ऐसा मेरे स्कूल में ही नहीं था कि भाई 12th के फेवल पे लड़कियां पहचान में ही नहीं आ रही थी, और कॉलेज के फेवल पे लड़के पहचान में नहीं आ रहे थे फॉर डिफरेंट रीजंस। ओके ये वाला मीम का एक ऑफेंसिव स्टेटमेंट ज्यादा है, क्योंकि एक लड़की ने लिखा इससे सुंदर तो मैं खुद हूं। वेल हो सकता है मे बी, बट ऑनेस्टली जेंडिया मुझे हमेशा से इतनी अच्छी लगती है, जब से मैंने उसको डिज्नी चैनल पे देखा था ना वो शेक इट अप पे, तब से आई लव हर। एंड इनफैक्ट एक्चुअली निक जोनस को भी मैंने पहली बार 2008 में कैंप रॉक पे ही देखा था डिज्नी चैनल पे। कभी नहीं सोचा था कि ये इंडिया आएंगे और इनके साथ ऐसा व्यवहार होगा। दिस इज व्हाई अ पार्ट ऑफ मी विशेस कि अगर टेलर स्विफ्ट कभी इंडिया आए ना तो वो इन पैप से 100 किलोमीटर दूर रहे। दादा आई वांट टू सी स्पाइडरमैन, ले अंबानी, स्पाइडरमैन और झांडिया को ही इंडिया ले आए, जस्ट मुकेश अंबानी थिंग्स। टॉम, आई सॉ स्टार्क इंडस्ट्रीज हेडक्वार्टर्स व्हेन आई लैंडेड इन मुंबई। अंबानी, अबे वो एंट्री लिया है। अंबानी टू टॉम हॉलैंड, नया स्पाइडी सूट चाहिए हो तो बताना, जाके कॉस्ट्यूम पहन लो, अभी थोड़ी देर में बच्चे आने वाले हैं। इस वाले का जवाब मेरे पास है, इनके घर भी फंक्शन से पहले कलेश होते हैं क्या? आई एक्चुअली थिंक नहीं होते, क्योंकि शाहरुख खान एंड आर्यन खान दोनों ही कलेशी टाइप्स नहीं लगते हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, फंक्शन से पहले कलेश मोस्टली मेल्स करते हैं, क्योंकि फीमेल्स तो बिजी होती है तैयार होने में, एंड इस बात का गिल्टी मैं खुद भी हूं, क्योंकि सच में मेरी मम्मी और मेरी बहन कहीं जा नहीं, यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट नॉट। इसे बॉलीवुड अवार्ड नाइट क्यों नहीं डिक्लेयर करते थे? आई ऑनेस्टली थिंक ये अवार्ड नाइट से बेटर थी, क्योंकि अवार्ड नाइट पे ना ये लोग उतनी एनर्जी से नहीं नाचते यार, क्योंकि अब एक्सचेंज में सिर्फ अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, वेयर एज आई थिंक यहाँ पे YRF स्पाइडर वर्स, पता है एक्चुअली अगर ये कुछ महीनों पहले मैंने देखा होता तो मैं बोलता कि मार्वल को किसी की कहाँ जरूरत है, लेकिन अब जो हाल चल रहे हैं ना मार्वल के पिछले कुछ महीनों से, आई ऑनेस्टली थिंक दे नीड शाहरुख खान और सलमान खान टू सेव देम। सीरियसली डिसअपॉइंटेड दैट दे डिडंट क्रिएट दिस एट द NMACC इवेंट, ये तो भाई इवन आई एग्री, क्योंकि ओम शांति ओम का ये एंड वाला सॉन्ग था भाई, OG बॉलीवुड का मल्टीवर्स मोमेंट। एंड स्पीकिंग ऑफ ओम शांति ओम, इस झूमर के नीचे मिलेगी प्रिया की लाश, बट एक्चुअली मुझे बस ये जानना है कि पूरे इवेंट पे भूमि बैठी कैसे होगी। जीजी लव्स देवदास एंड इट शोज, बट आई एम सॉरी नथिंग बी आई हैव नेवर सीन आराध्या's फोरहेड, दैट्स एक्चुअली ट्रू।
सेम आई थिंक किसी ने भी नहीं देखा है आई थिंक ऐश्वर्या ने खुद आई थिंक आराध्या ने खुद भी नहीं देखा होगा ऊबर पर ऑटो वाला 170 बता रहा था एंड देखो हम रोड से पकड़ के सिर्फ 120 में आ गए वैसे आ गए से याद आया कि पूरे इवेंट में निक वाज लाइक कि ये मैं कहां आ गया स्पेशली व्हाइल मीटिंग करण जौहर रणवीर यू आर सो फनी ओ शिट ये कहां से आ गया निक प्लीज निक चलो चलो जल्दी चलो मुंह पे ही आ गया ये तो ओह या अरे दिस इज दैट गाय आई वाज टेलिंग यू अबाउट इट्स दैट गाय करण जौहर अरे वो याद नहीं है तुमको जो जिसकी वजह से मैंने बॉलीवुड छोड़ा था ओह दैट करण जौहर जस्ट फेक इट या इससे फेक तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता ना तो हमें फेक करना पड़ेगा ओह I'm not even gonna pretend I like him. Well, I'm actually glad के कंगना रनावत नहीं आई वरना तो भाई दंगे हो जाते हैं मुंबई वालों को अपना 1 BHK बेचना पड़ेगा ये बैग के लिए which was राधिका मर्चेंट्स बैग जिसकी कॉस्ट 100,000 to 1,000,000 to 1,000,000 crore 1.9 crore में ही दर्द हो रहा है मेरे तो अभी इतना तो शार्क टैंक के इस सीजन में शार्क्स ने इन्वेस्ट नहीं किया होगा जितने का इतना सा बैग लेके घूम रही है टॉप 2023 थिंग्स आई वोंट फॉरगेट इकड़े इकड़े उजबिकड़े भाई मैं सच बता रहा हूं मैं मराठी नहीं हूं मुझे ये याद हो गया इकड़े इकड़े उजबिकड़े ए टॉमी टॉम होमकमिंग जीजू इधर जीजा जी शर्मा गए जीजी वे नॉट गीगी जांड्या शकीरा है क्या कौन है भाई दिस वन सेज दादाजी को भी साथ ले आती एंड दैट इज इनफ इंटरनेट फॉर द डे बस So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ऑल्सो कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये पूरे एनएमए सीसी के केओस में से सबसे ज्यादा फनी चीज क्या लगी मेरा तो ऑनेस्टली झांडिया रहेगा फेवरेट ऑल्सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ क्योंकि मुझे इस पूरे हफ्ते 102 फीवर था क्योंकि वेदर ऐसा चेंज हो रहा है हमारे यहाँ डेली में सो दैट इज वाई ये वीडियो बहुत लेट हो चुका है सो प्लीज शो सम लव आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो बाय बाय